Good morning to all. Welcome to the TSN School. Today I am going to explain class 10 science chapter number 8, how do organisms reproduce. What is the means of the reproduction? Reproduction is an integral feature of all living beings. The process by which a living being produces its own life is called reproduction. वह process जिसमें कोई भी living being अपनी ही जैसी संतति को जन्म देती है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. फॉर द एग्जाम्पल बेटे, हमारे पास एक सीड है. जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक प्लांट में कन्वर्ट होता है और ये प्लांट आगे जाके एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. आगे जाके ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर फ्लावर्स बनता है. फ्लावर्स के बाद में यहाँ पर हम कुछ प्रोसेस की स्टडी करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है एंड आफ्टर इट एक फ्रूट बनता है. ओके, और इस फ्रूट के बाद में अंदर से क्या निकल रहा है बेटे? अगेन सीड. और इस तरीके से ये पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता जाता है, प्लांट में भी और एनिमल्स में भी. एनिमल्स में क्या होता है बेटा कि एक छोटा बेबी जो होता है अपने जन्म के बाद में ये धीरे धीरे विकसित होने लगता है और एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है. इसके बाद में ये एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एडल्ट जब ये रहता है तब मेल एंड फीमेल के आपस में मिलने से फिर से एक बेबी का जन्म होता है. ये जो एडल्ट्स हैं ये आगे जाके एजेड होते हैं और एट इन द लास्ट इनकी डेथ होती है. तो इनकी डेथ होने से पहले अपनी ही जैसी संतति को जब इन्होंने जन्म दिया है तो आगे जाकर ये प्रोसेस जो है वो फॉलो होता जाता है. तो ये जो पूरा साइकिल है इसमें ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर लिविंग बींग अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं, अपने ही जैसे प्लांट्स को जन्म देते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. ओके, देन द डेफिनेशन इज हियर. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन? अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है. रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच स्पीशीज बिकॉज दिस इज द ओनली फॉर वे फॉर अ लिविंग बींग टू कंटिन्यू इट्स लाइनेज. अपार्ट फ्रॉम बींग इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द होल इकोसिस्टम. रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस अमंग वेरियस बायोटिक constituents of the ecosystem. Moreover, reproduction also facilitates evolution because variations come through reproduction over several generation. आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं बेटे कि हजारों सालों के पश्चात भी किसी एक स्पीशीज को, किसी एक जाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ से आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन. और यहाँ पर बताया गया है कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, किसी एक संतति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप्स में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो इन दोनों पार्ट की स्टडी हम एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में ही करेंगे. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो फर्स्टली हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर रहे हैं और क्या दिखाया गया है? फर्स्ट फ्यूजन है और ये टू टाइप्स में होता है, बाइनरी एंड द मल्टीपल. नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेक्स्ट बडिंग, नेक्स्ट रीजनरेशन, देन फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. ये सभी मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटे ये इम्पॉर्टेंट है. मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, इन पे अलग से भी क्वेश्चन जो है
वो पुटअप होता है। एक एक को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास में 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होता है। और कभी कभी जब हम इनकी एग्जांपल्स की स्टडी करेंगे, जैसे बाइनरी के अंदर हमारे कोर्स में अमीबा की स्टडी है, जब हम अमीबा की स्टडी करेंगे तो वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अमीबा किस तरीके से रिप्रोजेक्शन करता है, तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बाइनरी फिशन। इसके बाद में मल्टीपल में हमारे कोर्स के अंदर प्लाज्मोडियम है, तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पुटअप होता है आपका 1 मार्क्स का, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है बाइनरी फिशन। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर एनिमल्स प्रिफर दिस मेथड फॉर रिप्रोडक्शन। जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं बेटा, वो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ज़्यादातर इसी प्रोसेस को काम में लेते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन स्पेशली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, बाइनरी फिशन कब होता है, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। नेक्स्ट है, एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड एंड मॉइस्चर इज अवेलेबल। जब जितना फूड की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को ज़रूरत है उतना हमारे पास उतना उनके पास में अवेलेबल है, और मॉइस्चर अगर अवेलेबल है तो फिर फिशन का जो मोड होता है इससे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। द मदर सेल, अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस आ रहा है आपके पास में, ये इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपका इम्पॉर्टेंट है, ये एटलीस्ट आपका 1.5 मार्क्स के अंदर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है। तो क्या होता है इसमें, द मदर सेल डिवाइड्स इंटू 2 डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल बींग्स इट्स लाइफ लाइक अ न्यू इंडिविजुअल। द पेरेंट जनरेशन एसिस टू एग्जिट आफ्टर बाइनरी फिशन। अमीबा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। बेटे ये जो स्टडी हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे 8th क्लास में भी था, और इसमें बताया गया है कि देखिए फर्स्ट पेरेंट सेल जो होती है उसके अंदर ये प्रोसेस इस तरीके से होने लगता है, इनका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होने लगता है, और आउटर लेयर जो है इसकी वो भी डिवाइड होने लगती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से फर्स्ट से सेकंड पार्ट की इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ से इस तरफ कि अब जो है बीच में केवल ये बिल्कुल सेपरेट हो रहे हैं और बीच में केवल एक ही पार्ट से आपस में कनेक्ट है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, लास्ट के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये अलग हो जाता है और ये पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। चूँकि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, इसीलिए इसका नाम बाइनरी फिशन है। ओके नाउ नेक्स्ट है मल्टीपल। तो मल्टीपल में हमारे पास में एग्जांपल्स हैं प्लाज्मोडियम का। व्हेन कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल, फूड मॉइस्चर प्रॉपर टेम्परेचर एक्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल, दिस इज द प्रिफर्ड मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर आपके पास में ये क्वेश्चन भी पुटअप हो रहा है कि किस कंडीशन के अंदर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा और किस कंडीशन के अंदर मल्टीपल, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट बाइनरी कब होता है, जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, और मल्टीपल कब होता है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि अनफेवरेबल कंडीशन से मतलब क्या है, कि फूड मॉइस्चर प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, उस कंडीशन में ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा। द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स अ थिक कोटिंग अराउंड इट्सेल्फ, दिस इज कॉल्ड सिस्ट। द सिस्ट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू टाइट ओवर द बैड फेस। द न्यूक्लियस डिवाइड्स इंटू सेवरल न्यूक्लियाई एंड ईच डॉटर्स न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। When favorable condition return, the cyst dissolves or break down, releasing the daughter nuclei. The daughter nuclei is turned grow into a new individual, plasmodium and next हमारे पास में एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर 2-3। तो इसमें बताया गया है कि ये सभी प्लाज्मोडियम और नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, ये सभी मल्टीपल फिशन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी गोइंग और कर देती हूँ आपके लिए बेटे, कि हमें किस तरीके से डायग्राम बनाना है, कि देखिए ये है और ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको डबल लेयर कर लिया है। ये सिस्ट जो होता है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा थिक लेयर होती है, इस तरीके से हो गया है। अब इसको आप
इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ करें, ये हो गया है, और एक हर एक पार्ट के अंदर आप एक न्यूक्लियस शो कर दें। ओके, तो ये हो गया है हमारा मल्टीपल पार्ट। ये कब तक जो है वो बस नहीं होगा, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जो आउटर लेयर होती है ना बेटे, ये डिसॉल्व हो जाती है, और यहाँ अंदर से ये एक एक सेल जो है वो बाहर आ जाती है। चूँकि इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसलिए ये अपने आप के अंदर एक पार्ट कंप्लीट करती हैं, ये अपने आप में एक डॉटर सेल्स हैं। तो मल्टीपल फिजन में हम लोगों ने क्या देखा कि एक सिस्ट से जो एक सिस्ट बन रहा है उसे बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस जो हैं वो बनते हैं, बहुत सारी डॉटर सेल्स जो हैं वो एक बार में ही फॉर्म हो जाती हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट ही हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है बडिंग का। यीस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। बडिंग इन यीस्ट, अ स्मॉल बड ग्रोज एट एनी एंड ऑफ द यीस्ट सेल, न्यूक्लियस गेट्स एलॉन्गेटेड एंड अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोड्यूस इनटू द बड। द न्यूक्लियस then divides into a two nuclei, one of the nuclei goes into the bud and the bud grows to certain extent and gets detached from the mother cell and budding in hydra. A bud grows anywhere on the main body of the hydra. The bud grows to a certain size and gets detached from the mother hydra. This develops further to grow into a new individuals. बडिंग की प्रोसेस के अंदर हमारे कोर्स में यीस्ट एंड हाइड्रा हैं। यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर ये बताया गया है बेटे, देखिए जैसे यीस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से बीच में ये रहेगा इसके, और इसके ऊपर की तरफ ये इस तरीके से ये बड बनती है। ओके, ये इस तरीके से बड बनती है, और आगे जाके क्या होता है कि ये जो बड है ये अपनी मदर सेल से अलग हो जाती हैं, और एक बार में ये सभी डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाएंगी। हाइड्रा के अंदर ही बताया गया है, और ये 8th क्लास के अंदर भी हमारे पास कोर्स में था हाइड्रा। तो हाइड्रा का इस तरीके से डायग्राम बनाना है हमें, इस तरीके से लेंगे हम। ओके, और यहाँ पर इस तरीके से इसको ले लिया है थोड़ा सा। टेंटिकल्स वाला जो पार्ट होता है हाइड्रा में वो इस तरीके से होगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये इसका माउथ वाला पार्ट आ गया। इसकी बॉडी में कहीं पर भी जो है वो बड का फॉर्मेशन हो जाता है, किसी भी जगह के ऊपर। धीरे धीरे क्या होता है कि ये बड बढ़ने लगती हैं इस तरीके से, ऐसा हो जाएगा यहीं पे मदर बॉडी से लगे हुए ही इसकी ग्रोथ होती है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि और थोड़े टाइम के बाद में ये इस तरीके से ग्रो हो जाएगा यहीं पर, इस तरीके से हो गया। और एट इन द लास्ट क्या होता है कि ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं और खुद का एक न्यू बॉडी जो है वो इनकी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ बडिंग यीस्ट और हाइड्रा में कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन की स्टडी इस तरीके से है कि फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन फिलामेंटस एल्गी एंड स्पायरोगायरा। जो स्पायरोगायरा एक फिलामेंट इस तरीके से तंतुनुमा संरचना होती है, इस तंतुनुमा संरचना में इस तरीके से इसका प्रोसेस जो डायग्राम है इंटरनली वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और हर एक पार्ट के अंदर ये एक सेल होता है, ये अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे सेल होता है, ये अंदर की तरफ इस जगह पे एक सेल हो जाएगा। ओके यस, तो अब क्या होगा बेटा कि इसके अंदर ये जितने भी पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, तो हर एक पार्ट में क्या है, सेल है ना, तो ये जो पार्ट है ये अपने आप आगे जाके खुद सर्वाइव करने के लिए सक्षम होती है। ये किसी भी कितने ही पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद में हर एक पार्ट जो है वो अलग से ग्रो करने लग जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्पायरोगायरा के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रोसेस की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।